क्या आप जानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में 70% से भी ज्यादा नया इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन पीबी यानी कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से होता है। इसके मुख्य कारण है पीबी की एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और मॉडर्न फैक्ट्री के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मैच कर पाने की क्षमता। ये आंकड़े क्लियर इंडिकेशन है वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पीबी की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के योगदान का। हम है एलिवेट। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पीबी की इंजीनियरिंग से लेकर इरेक्शन तक की प्रोसेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डिजाइनिंग फेज, जहां हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। एलिवेट के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करके उनकी स्पेसिफिक नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझते हैं। फिर होती है स्ट्रक्चरल डिजाइन। हमारे स्किल्ड और एक्सपर्ट इंजीनियर्स क्लाइंट की सेफ्टी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस करके आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड और एमबीएमए कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड को एडहेयर करके स्टैड प्रो एंड टेक्ला जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर से ड्रॉइंग बनाते हैं और डेवलप करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल डिजाइन प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन फेज के बाद शुरू होता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट फेज। हमारी प्रोक्योरमेंट टीम प्री इंजीनियर बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए रेप्यूटेटेड और रिलायबल सप्लायर्स से हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग करती है। रॉ मटेरियल्स जैसे कि एमएस प्लेट्स हम सप्लायर से सोर्स करते हैं। उदाहरण के तौर पे स्टील, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एएमएनएस, जिंदाल स्टील जैसे सप्लायर से ही लिया जाता। मैन्युफैक्चरिंग फेज में शुरू होता है कंपोनेंट फैब्रिकेशन। हमारे स्किल्ड टेक्नीशियंस और वर्कर्स अप्रूव्ड डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक वेल्डिंग लाइन जैसे हाईटेक मशीनरी को यूज करके मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपोनेंट्स की हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए सैंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर स्टेप पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाते हैं ताकि हर कंपोनेंट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन को मैच करे। फैक्ट्री में कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद शुरू होता है ट्रांसपोर्टेशन फेज। यहाँ फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स की साइज, वेट और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हुए उन्हें साइट पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इरेक्शन फेज, ये फेज शुरू होता है साइट मोबिलाइजेशन। इसमें एलिवेट की इरेक्शन टीम साइट पे नेसेसरी इक्विपमेंट्स, मशीनरी और सेफ्टी मेजर्स के साथ पहुंचती है। अप्रूव्ड डिजाइन और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल प्लान्स को ध्यान में रखते हुए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के कंपोनेंट्स को सिस्टमैटिकली असेंबल किया जाता है और इरेक्शन किया जाता है। लाखों स्क्वायर फीट के बिल्डिंग को बना चुकी हमारी अनुभवी टीम द्वारा एक स्ट्रक्चरली मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए प्रॉपर अलाइनमेंट, कनेक्शंस और सभी कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन में क्वालिटी कंट्रोल और अश्योरेंस का भी ध्यान रखा जाता है। एलिवेट के साइट्स पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने में किसी भी प्रकार का समझौता करने की अनुमति नहीं है। सक्सेसफुल इरेक्शन के बाद रूफिंग की जाती है। रूफिंग में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एल्यूमिनियम रूफिंग शीट, गैल्वेनाइज्ड कॉरूगेटेड रूफिंग शीट, कलर कोटेड रूफिंग शीट, बेयर गैल्वेनियम रूफिंग शीट और पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट का चयन किया जाता है। फिनिशिंग और हैंडओवर फेज, रूफिंग, क्लैडिंग और इंटीरियर्स के साथ साथ इंसुलेशन जैसा काम पूरा करने के बाद होता है फाइनल क्वालिटी चेक। अच्छी तरह से इंस्पेक्शन किया जाता है और चेक किया जाता है के बनाई गई सभी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेसिफिकेशंस और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करती। इसके बाद ही क्लाइंट को हैंडओवर किया जाता है। इसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और वारंटीज का ध्यान रखा जाता है। इस तरह सफलतापूर्वक एलिवेट ने लाखों स्क्वायर फीट की प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाई है और आने वाले समय में और बनाता रहेगा। अगर आप फैक्ट्री या वेयरहाउस बनाने वाले हैं तो दुनिया भर में प्रख्यात आज के मॉडर्न फैक्ट्री सेटअप की मां प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को अपनाइए और पीबी को बनाने वाली सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाली कंपनी एलिवेट यानी कि हमें संपर्क करें। एलिवेट, बनाए सपनों को हकीकत।